टू में बना है ना। देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट संविदा क्या होता है, हम जो है हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में हम कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं, कुछ लिखित और कुछ जो है बोलकर, सम आर वर्बल कॉन्ट्रैक्ट, सम आर रिटन कॉन्ट्रैक्ट, बट वी ऑल एंटर इनटू सो मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स इन अवर डेली लाइफ है ना। हमारे जो डेली लाइफ है, दैनिक जीवन है, उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर करते हैं। जो भारतीय संविदा अधिनियम है वो 1872 में बना, जब हम ब्रिटिश एम्पायर के नीचे थे, जब हम ब्रिटेन के एक कॉलोनी थे। 1872 में ब्रिटिशर्स ने हमें ये जो कानून हमारे लिए बना के दिया, ठीक है, 1872। थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है, दो बातें आप ध्यान रखिए। एक, ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति जो हुआ इंग्लैंड में, उससे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो बनने का एक पृष्ठभूमि बना। औद्योगिक जो क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ना, पहले जमाने में क्या होता था, स्टेटस, व्यक्ति का जो समाज में जो दर्जा है वो सबसे मायने रखते थे। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकरण हुआ, स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट में बदल गए। फ्रेंड्स प्लीज अंडरस्टैंड, यस, वी वर लिविंग इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज वर स्टेटस वॉज इंपॉर्टेंट, बट विथ मॉडर्नाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट बिकेम इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एक समय ऐसा था जब समाज में आपका पद सबसे ज्यादा मायने रखते थे, फिर जैसे जैसे आधुनिकरण हुआ, आपके कॉन्ट्रैक्ट जो है सबसे ज्यादा मायने रखने लगे। सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अकेला एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है, इंडिया में और भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स हैं। थोड़ा सा समझने लायक चीज है, इसको आप नोट करना चाहें तो तीन चार मुख्य और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। जैसे एक है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सॉरी आई एम सॉरी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1913। कोई भी चल संपत्ति एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बेचते हैं और जो करार करते हैं उसको बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। फिर है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, मैं 1872, यस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। फिर है पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1930। एक और है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स, एनआई एक्ट। बच्चों एक मिनट आप समझिए, जो मुख्य कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसको हम कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पर इसके अलावा भी जो ये चार मैंने एक्ट बताए हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, लेकिन उसे हम अलग रूप से बनाया, अलग समय में बनाया। एक है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अगर कोई चल संपत्ति आप किसी को बेचते हैं तो उसके लिए जो करार करते हैं वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट से गवर्न होते हैं। नंबर टू, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अचल संपत्ति अगर आप किसी को बेचते हैं, ठीक है, ट्रांसफर करते हैं, उसके लिए बना है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। फिर है पार्टनरशिप एक्ट, जब अलग अलग पार्टनर्स एक फर्म बनाते हैं
और जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट, उसको गवर्न करते हैं पार्टनरशिप एक्ट। फिर है चेक संबंधित, जो आप बैंक में जो चेक संबंधित जो करार करते हैं जिसको गवर्न करते हैं उसको बोलते हैं एनआई एक्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक बेसिक एक्ट है, फाउंडेशनल एक्ट है, बुनियादी एक अधिनियम है, लेकिन दूसरे भी संविधान से संबंधित अधिनियम है। ठीक है, यस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, अब हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट समझने से पहले कुछ चीजें समझना चाहिए। सबसे पहले होते हैं ऑफर, ऑफर या प्रपोजल, इसको हम प्रस्ताव कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले चीज है प्रस्ताव। जब प्रस्ताव को सामने वाले एक्सेप्ट करते हैं फिर वो बनते हैं प्रॉमिस। प्रस्ताव, प्रस्ताव का जब अंगीकार होते हैं तो जो बनते हैं उसको हम कहते हैं वादा। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, प्रपोजल, ये तीन चीज आप पहले लिखिए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। दूसरा है प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। तीसरा है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी, enforceability by law is equal to contract. बच्चों ये तीन चीज आप नोट कीजिए। ठीक है, सबसे पहला है प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। कॉन्ट्रैक्ट पे आप ये तीन लाइन आप लिखेंगे, टीचर को समझ में आएगा कि बच्चे को बेसिक चीज जो कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो बच्चा जानता है। ओके, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। कोई जब एक प्रस्ताव करते हैं और उसको दूसरा व्यक्ति अंगीकार करते हैं तो क्या बनते हैं, प्रॉमिस। अब प्रॉमिस या वादा, वादा के साथ जब प्रतिफल को जोड़ दिया जाता है उसको हम कहते हैं करार। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट, करार जब बन गया और वो विधि के द्वारा लागू किया जा सकता है उसको हम कहते हैं संविदा। When an agreement is enforceable by law, we call it contract. एक एग्जाम्पल देते, एक व्यक्ति ए बी से कहते हैं मैं अपना घर बेचना चाहता हूं। बी कहते हैं जी मैं उसे खरीदना चाहता हूं। ये क्या हो गया, प्रॉमिस प्लस एक्सेप्टेंस। हम जो पहली बात हम कह रहे हैं, एक ने कहा कि मैं घर बेचना चाहता हूं, दूसरे ने कहा कि मैं घर लेना चाहता हूं। ठीक है, वो क्या हो गया, प्रॉमिस। फिर प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। ये कहते हैं मैं अपना घर 20 लाख रुपये में बेचना चाहता हूं। बी कहते हैं बिल्कुल जो है मैं 20 लाख में आपका घर खरीदना चाहता हूं। ये क्या बन गया, एग्रीमेंट। वादा के साथ जब आपने प्रतिफल को जोड़ दिया वो बनते हैं करार। तीसरी चीज, इन्होंने एक डीड बना दिया, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट डीड, ये जो है डीड बना दिया कि जी मैं ये घर फलाना तारीख को इनको हैंडओवर करूंगा। बी कहते हैं कि मैं 20 लाख, मैं 5 लाख अभी एडवांस दे रहा हूँ और 3 टुकड़ों में बाकी अमाउंट जो है इस तारीख तक दूंगा। अब क्या हो गया, एग्रीमेंट जो है विधि के द्वारा प्रवर्तनीय हो गया, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, ये तीन चीज आपको समझना है।
सुनिए, ये जो तीन चीज मैंने आपको कहा, इतना आपको समझ में आया तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, फाइन, ऑलराइट। देखो ये बेसिक चीज है, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले एक बच्चा कह रहे थे, आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स, आई एम सो सॉरी बच्चों। हेलो, ओके, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक्चुअली मुझे अपना ही वीडियो दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा है पापा का वीडियो, एक सेकेंड बच्चों, जस्ट वन मिनट, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। आप एक मिनट के लिए ये मैसेज करना बंद कर दीजिए, एक सेकेंड के लिए। ओके, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली जो है एक इम्पोर्टेंट कॉल था, इसलिए मैं उठाना जरूरी। ओके, तो हम लास्ट में क्या कह रहे थे? तो हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के प्रकार। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के प्रकार जो है तीन तरीके से हम इसको सीख सकते हैं। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं, मेरा अपना वीडियो दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने कहा कि एक मिनट के लिए आप टाइप मत कीजिए, है ना। देखिए कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तरीका है कॉन्ट्रैक्ट को समझने का कि एक सही कॉन्ट्रैक्ट है ना, दूसरा है शून्य करने योग्य कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शब्द हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, वॉइड एग्रीमेंट। देखिए एक तरीका समझने का यह है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे कंडीशंस जो फुलफिल कर रहे हैं उसको हम कहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सेक्शन 15 से लेके अठारह तक
समझ लीजिए किसी ने फ्रॉड किया कॉन्ट्रैक्ट में, एक पक्ष ने फ्रॉड किया, दूसरा पक्ष अगर चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं, दूसरा पक्ष अगर चाहे वो कोर्ट में जाके उसको शून्य कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरा है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब जो पहले से ही शून्य है। जैसे समझ लीजिए आपने एक बच्चे के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, 18 साल से कम एक बच्चे के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो पहले से ही शून्य है, आप समझे। तो ये एक तरीका है कॉन्ट्रैक्ट को समझने का, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सारे कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट के फुलफिल करते हैं उसे हम कहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विद संविधान। दूसरा है जो शून्य किया जा सकता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने कहा ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें बी ने फ्रॉड किया, ये चाहे तो उसे उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा सकते, ये चाहे तो वो कोर्ट में जाके उसको शून्य करार कर सकते। और तीसरा है वॉइड अब इनिशियो, शुरू से ही वो शून्य है। जैसे मैंने कहा एक पागल व्यक्ति के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया या एक माइनर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, अनसाउंड माइंड, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, ये तीन तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकते हैं। दूसरा एक तरीका है जनरल कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। जनरल कॉन्ट्रैक्ट क्या है या जनरल ऑफर क्या है, समझ लीजिए एक व्यक्ति का अपना बेटा गुम गया, उसने अपने जो है न्यूज़पेपर में उसने कहा मेरा बेटा जो है कल से मिसिंग है, जो भी उसे जो है फाइंड करके मेरे पास लाएंगे मैं उन्हें 50,000 rupees दूंगा। इट इज अ जनरल ऑफर, वो न्यूज़पेपर जो भी पढ़ते हैं वो उसे स्वीकार कर सकते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट जो है जो भी उसे पकड़ के लेके आएगा, फाइंड करके लेके आएगा, तो उसे 50,000 rupees मिलेगा, वो है जनरल कॉन्ट्रैक्ट। पर अगर समझ लो दो व्यक्ति या दो पार्टी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी के साथ कोई लैंड मॉर्गेज करने का या लीज पे देने का कॉन्ट्रैक्ट किया, वो क्या है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इज ए स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, आपका जो शादी है वो क्या है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है। ए बी के साथ प्रॉमिस करते हैं कि सुख में और दुख में, स्वास्थ्य में और बीमारी में, गरीबी में और अमीरी में हम साथ रहेंगे, दैट इज अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। फिर कॉन्ट्रैक्ट को समझने का एक और तरीका है देखो आप अगर ऐसे चाहते हैं कि एक से ज्यादा शादी करना है तो मार्च से पहले करना, क्योंकि मार्च में यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, तो मेरा समय रहते जो है अभी 3-4 महीना है आपको सोचने के लिए और डिसीजन लेने के, ठीक है। अब हम आते हैं एक और कॉन्ट्रैक्ट को समझने का एक और तरीका है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, है ना, आगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपने कहा क्लियरली कहा, है ना, प्रत्यक्ष रूप से आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। फिर कभी कभी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आपने प्रत्यक्ष रूप से कुछ कहा नहीं है लिखा नहीं है लेकिन वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे आप बस पे चढ़ते हैं, है ना, जैसे आपको अगर समझ लो आप हाईकोर्ट जाएंगे, आज नहीं कल जो जोधपुर हाईकोर्ट में आप जाएंगे, तब आप क्या करेंगे, ये इधर से जो बस जाते हैं वोल्वो बस, उसमें आप रात को बैठेंगे और थोड़ी देर बाद टीटी आएंगे, सॉरी कंडक्टर आएंगे, वो कहेंगे आप टिकट दिखाइए या पैसा दीजिए, तो आप कहेंगे कि
सर मैं जब बस में चढ़ा ऐसी आपने आपने कोई बात नहीं हुई थी तो वो आपको क्या करेंगे, वो दो थप्पड़ लगाएंगे पहले, फिर ड्राइवर को बोलेंगे कि एक मिनट गाड़ी रोको सर, फिर आपको वहीं उतारेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। जब आप एक बस में चढ़ते हैं या ट्रेन में चढ़ते हैं, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने टिकट लिया होगा या आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये तीन तरीके के कॉन्ट्रैक्ट का हम डिविजन कर सकते हैं, है ना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, सार्वजनिक जो ऑफर आप करते हैं या स्पेसिफिक ऑफर, विशेष ऑफर आप करते हैं। दूसरा तीसरा है ओके तीसरा है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्प्लाइड, ठीक है बच्चों। ये है कॉन्ट्रैक्ट के डिविजन्स। अब एक बात ध्यान रखने बात वाली बात ये है कि एग्रीमेंट व्यक्ति करते हैं, विधि उसे कॉन्ट्रैक्ट में बदलते हैं। आप समझ रहे हैं इसको, व्यक्ति जो है करार ही कर सकते हैं, करार एग्रीमेंट, लेकिन उसे कॉन्ट्रैक्ट में बदलने का काम विधि करते हैं। समझ लीजिए, ए और बी ने जो है गुड्स सेल करने का, सामान बेचने का और खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट में वो एंडर होगी। ये करार तो वो कर सकते हैं, लेकिन इसे प्रवर्तनी कौन करते हैं, विधि करते हैं। तो इसलिए ऐसे कहा जाता है कि एग्रीमेंट्स आर एंटर्ड इनटू बाय पार्टीज, बट इट इज द लॉ व्हिच मेक्स इट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। इतनी सी बात है। फिर हम आते हैं, एक फेमस केस था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक, ये नाम आप लिखिए, कार्बोलिक स्मोक कंपनी लिमिटेड, ये बहुत फेमस केस है कार्लिल। यस बच्चों, जो भी आप हैंड्स रेज कर रहे हैं, आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं या बाद में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक कंपनी का केस ये था। एक कंपनी है ये जो कार्बोलिक, इंग्लैंड में एक बीमारी फैल गई। देखो अभी जो कोविड आया वो तो चाइना से बना के भेजा था, लेकिन पहले भी महामारियां होती रही, ठीक है। इंग्लैंड में इन्फ्लुएंसा करके एक बीमारी फैल गई, इन्फ्लुएंस, ठीक है, और कई लोग मर रहे थे। तो ये जो कार्बोलिक स्मोक कंपनी ने क्या किया, कार्बोलिक स्मोक कंपनी ने एक मेडिसिन निकाला, एक बॉल निकाला, वो अगर आप खाते हैं आपको इन्फ्लुएंसा नहीं होगा करके कंपनी ने कहा। और कंपनी ने कहा कि अगर ये जो मेडिसिन है वो खाने के बाद भी कोई बीमार होते हैं, इन्फ्लुएंसा पकड़ते हैं, तो हम 100 pounds उनको देंगे, 100 pounds। और ये कंपनी ने 1000 pounds जाके बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया कि लोगों को दिखाने के लिए कि अगर कोई ऐसे मामला सामने आएंगे तो हम 1000 rupees देखो सब डिपॉजिट कर रखे। तो एक स्त्री ने हिम्मत करके जो है ये मेडिसिन खाया, लेकिन थोड़े दिन बाद उनको भी इन्फ्लुएंस हो गया। जब इन्फ्लुएंस हुआ तो वो ये कंपनी के पास 100 pounds लेने के लिए गई। वो कंपनी ने मना कर दी, कंपनी ने कहा कि आपने हमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया, आपने हमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया था। लेकिन इंग्लैंड में भी, इंग्लैंड में जो कोर्ट में लोग थे वो पढ़े लिखे लोग, उनके सामने जब ये मामला गया, उन्होंने कहा ये जो 100 pounds जो मांग रहे हैं वो इन्हें जल्दी दो, नहीं तो
कोर्ट जो है उनको उनको जेल भेज सकते हैं, यू नो द कोर्ट हैज ट्रेमेंडस पावर्स। तो इसको कहते हैं कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक कंपनी लिमिटेड। देखो बच्चों, ये ऐसे कोई सवाल आए तो आपको डरना नहीं है ना। लॉयर का मतलब ही यह है जो डरते नहीं है ना। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। फिर एक चीज और है, इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू। देखिए एक कपड़े के शॉप में जो भी कपड़ा टंगा हुआ है और बाहर लिखा है कि जो है ये शॉप का नाम लिखा हुआ है, जो भी नाम है शॉप का नाम लिखा हुआ है, और आप जरूरी नहीं है कि वहां जितने कपड़े जो डाल रखे हैं वो सब आप खरीद सकते हैं। इट इज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर। वो ऑफर नहीं है, वो इनविटेशन टू ऑफर है ना। टेंडर की बात कोई पूछ रहा था, उसमें भी ऐसा है कि इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। समझ लीजिए ए ने बी से पूछा कि मैं ये रोलर पेन खरीदना चाहता हूं, रोलर पेन का प्राइस क्या है? तो सामने वाले ने लिखा कि रोलर पेन का प्राइस 1000 रुपया है। फिर वो कहते हैं कि ये जो रोलर पेन है मुझे भेजिए, यहां अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, इट इज जस्ट एन ऑफ, अभी डिस्कशन चल ही रहे हैं, है ना। तो वो सामने वाला ये नहीं कह सकता कि साहब मैंने इससे प्राइस पूछा था, इसने लिखा भी था, एसएमएस किया था कि 1000 रुपया है, फिर मैंने इनसे पूछा कि आप वो रोलर पेन मुझे भेजो, दो ब्लू टिक भी आया था, उसने देखा भी था, नहीं, इट इज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर, है ना। ऑफर अभी पूरा नहीं हुआ। ऑफर की बात हम कर रहे हैं, ऑफर। फिर है कंसिडरेशन मतलब प्रतिफल। देखिए जब भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 25 कहते हैं कि बिना प्रतिफल के किए गए संविदा शून्य है। प्रतिफल होना जरूरी है। समझ लीजिए, एक मैंने जो उदाहरण स्टार्टिंग में दिया कि ए ने बी से जो है घर लेने का बात किया 20 लाख रुपीज। अगर समझ लो ए ने बी के साथ बिना कोई प्रतिफल के कॉन्ट्रैक्ट किया, वो शून्य है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि प्रतिफल बड़ा अमाउंट हो या पर्याप्त हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है ए ने बी को 2 लाख में भी जो है घर भेजा। ठीक है, बट कंसिडरेशन जरूरी है। कंसिडरेशन कब कब जरूरी नहीं है, देखिए समझ लीजिए, एक पेरेंट्स एब्सोल्यूटली गिफ्ट है ना, जैसे नेचुरल लव एंड अफेक्शन से आप अपने बेटा या बेटी या आपके रिलेटिव को कोई गिफ्ट करते हैं, उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं। गिफ्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में गिफ्ट की बात करते हैं, उसमें आप बिना कोई प्रतिफल के आप कर सकते हैं। ठीक, सेक्शन 25 बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कैपेसिटी। देखिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या बेसिक एसेंशियल्स चाहिए, ये थोड़ा सा जानना जरूरी। एक मेजर होना चाहिए, मेजर मतलब 18 साल। साउंड माइंड होना चाहिए। ठीक है,
फिर कॉन्ट्रैक्ट के कुछ कंडीशंस है, वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सामने वाला आपके प्रस्ताव को अंगीकार करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि उसने कुछ जवाब नहीं दिया है उसने मान लिया होगा, नहीं। इट शुड बी कम्युनिकेटेड क्लियरली, आपका जो प्रस्ताव का जो अंगीकार है उसे कम्युनिकेट करना जरूरी है। वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, एब्सोल्यूट मतलब कोई कंडीशंस नहीं होना चाहिए। समझ लीजिए आपने अपना मोबाइल 20,000 रुपीज के लिए किसी को ऑफर किया, वो कहते कि यार 20,000 तो ज्यादा है, ये जो है इतना अच्छा कंडीशन नहीं है, मैं 10,000 दे सकता हूँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, क्योंकि वो नया प्रपोजल लेके आ रहे हैं। सो इट इज नॉट एन, इट इज द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंक्लूड। फिर कॉम्पिटेंट पार्टीज होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट। बच्चों कंसेंट मतलब क्या होता है? सहमति है ना, ये सहमति शब्द बहुत जगह आएंगे। कंसेंट, कंसेंट मतलब सहमति, सहमति काफी नहीं है, स्वतंत्र सहमति होना चाहिए, फ्री कंसेंट। बनो ही देना, निकाल ही देना, निकाल देना, अच्छी निकाल ही, निकाल देना। एक सेकंड, एक सेकंड, रुपये लग रुपये मतलब खाते हो, क्वालिटी देख, सीधी बात एक नहीं है, ले लेना, दो सेकंड लग रहे हैं, घर की तो बात है। हाँ वो पता है मेरे को, रिश्ते तो करें, घर की बात है, ले ले। फ्री कंसेंट, व्हाट इज फ्री कंसेंट? ब्लैक एंड व्हाइट निकाल देंगे, 10 रुपये, 10 रुपये ले। फ्री कंसेंट जो है और का चित्र दे रहा है, इसको याद रखने के लिए एफ यू सी एम, ये सब ये आप सीख गए कहाँ पे? सेक्शन 5 सेक्शन 15, सेक्शन 15 फ्रॉड की बात करते हैं, फ्रॉड। सेक्शन 16 अंडर यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड हो गया, मेरे को दे दे तू, बोले तू निकाल, कोई दिक्कत नहीं, इन्फ्लुएंस हो गया। सेक्शन 17 ओटीपी तो लानी पड़ेगा घर पे, तो दो ही काम कर ले, मम्मी को ही लेके आ। हो एफ यू सी एम, कोअर्शन, कोअर्शन। और सेक्शन 18 मिसरिप्रेजेंटेशन। देखिए इसमें क्या है, FUCM, FUCM मतलब जब मैंने LLB किया तब सेक्शंस याद करने के लिए इतने आसान नहीं थे। अब ये मत पूछना कि आपने सच में किया भी है या नहीं। मैं भी कॉलेज वगैरह गया हूँ, पढ़ाई किया है, ठीक है, ओके। CUFM, CUFM मतलब को सहमति, जब फ्री सहमति नहीं है, एक होता है सहमति। कॉन्ट्रैक्ट पे जब आप दोनों जन का सहमति होना जरूर, पर अगर समझ लो उसमें फ्रॉड आ गया तो वो फ्री सहमति नहीं हुआ, ठीक है। समझ लीजिए ए ने बी को हॉर्स एक घोड़ा बेच दिया, लेकिन वो घोड़ा जो है वो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे वो जो है बहुत वो कंट्रोल में नहीं रहते थे, जो भी है, ठीक है। सो दैट इज फ्रॉड, 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 ठीक है। दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है, जैसे समझ लो ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए सक्षम है और उसका दुरुपयोग करें। जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे एक डॉक्टर पेशेंट के साथ या एक टीचर एक स्टूडेंट के साथ एक स्टूडेंट और टीचर का जब बात किया तो एक बार क्या हुआ, एक टीचर ने, जगह मैं नहीं बताऊंगा, समय में टाइम साल मैं नहीं बताऊंगा, एक टीचर ने स्टूडेंट को कहा कि तुम्हारा प्रैक्टिकल जो है
तुम मुझे 1000 रुपया दे दो, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल में अच्छा नंबर दिलवाऊ, तब मैं थोड़ा डिसेंट था इसलिए मैंने उनका कॉलर नहीं पकड़ा, पर आज होता तो मैं कॉलर पकड़ता और फिर कोर्ट जाने के बाद कैसे बाहर निकल के आना है ये मुझे पता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालने के लिए सक्षम है और उसका दुरुपयोग करते हैं, जैसे एक गुरु और शिष्य जो बाबा लोग हैं, बाबा लोग सारे धर्मों में जो बाबा लोग हैं जो बाबा लोग हैं हर धर्म में बाबा लोग जो हैं अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो दुरुपयोग करते हैं अपना वो जो पोजीशन है। ठीक है, तीसरा है फ्रॉड हो गया, कोवर्शन हो गया, FCUF, कोवर्शन, कोवर्शन का मतलब दबाव डाल के। आप कहेंगे कि देखो साहब, आप मुझे अगर पति या पत्नी कहते हैं कि देखो अगर ये प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करेंगे मैं सुसाइड कर लूंगा या कर लूंगी, तो ये क्या है, कोवर्शन। आप आईपीसी में कोई अपराध करने जा रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कोवर्शन, जब आप दबाव डाल के किसी को किसी के सहमति लेते हैं। और मिस रिप्रेजेंटेशन, और ये चेक कर लीजिए, है ना, CUFM है, मैं थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए। ठीक है, किसी का सहमति लेना, ठीक है, गलत जानकारी दे, ठीक है, ओके, समझ लीजिए आपका जो डिग्री है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड नहीं है, और अगर आरएनटी लॉ कॉलेज या कोई भी लॉ कॉलेज कहे कि आपने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया कि हमारा जो डिग्री है बार काउंसिल से अंगीकृत है, तो वो गलत है, तो वो क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन, है ना, गलत। वेरी गुड, CUFM आप देख रहे हो रानू, थैंक यू, कोवर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन। बच्चों अभी तक समझ में आ रहा है या आप बीच में किले चले गए? ठीक है, ओके, फिर है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये थोड़ा सा समझना लायक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पक्ष ने अपने शर्तें पहले से निर्धारित कर रखी, दूसरा पक्ष केवल उसको जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे अक्षय ने कहा रेलवे टिकट, जैसे समझ लो अभी मैं साउथ जाके आया, केवल 4000 रुपया था टिकट का प्राइस, या तो मैं वो टिकट ले सकता हूं या रिजेक्ट कर सकता हूं, इट इज अ स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर है इंश्योरेंस कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी, उसमें आपको वो कहते हैं, वो लड़की जो बैंक में होते हैं वो कहते हैं कि सर यहाँ भी साइन कर दो, उसके आगे भी साइन कर दो, ये पेज में भी साइन कर दो, तो वो क्या है, इट्स एन स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आप जो है चेंजेस नहीं ला सकते, मॉडिफिकेशन नहीं ला सकते। ओके, फिर हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहते हैं कि कुछ वॉइड एग्रीमेंट्स है, वॉइड एग्रीमेंट्स, गुड संस्कार, वॉइड एग्रीमेंट्स, जैसे
जो शर्त लगाते हैं, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, हर बॉय जो शर्त लगाते हैं, जैसे समझ लो आपने शर्त लगाया कि कल सुबह बारिश होंगे, जबकि आपको पता है कि बारिश करीब करीब खत्म हो चुके हैं, फिर भी आप जो है आप शर्त लगाते, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। आपने क्या कहा, आपने अपने फ्रेंड से कहा कि अगर सुबह बारिश होंगे तो मैं तुम्हें मुझे 1000 रुपया देना पड़ेगा, अगर बारिश नहीं होंगे तो मैं तुम्हें 1000 रुपये। ये क्या है, बेट। बेट कर सकते हैं आप, लेकिन वो कोर्ट में आप उसे प्रवर्तन ही नहीं कर सकते। आप सुबह ये नहीं कह सकते कि देखो साहब बारिश हो गया था, हमने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे, लेकिन ये मुझे 1000 रुपीज नहीं दे रहे। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड, है ना, जो निश्चित नहीं है उसके ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट करके आप उसे कोर्ट से प्रवर्तन ही नहीं कर सकते। फिर ट्रेड, किसी के व्यापार को रोकने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना, व्यापार को रोकने के लिए भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अभी एक मसला हुआ, एक बार वाला जो है का एक केस, कोर्ट केस मैंने सुना, उसमें क्या हुआ, एक आदमी बार चला रहे थे, बार यू नो जहां जीवन से दुखी लोग आके शराब पीते हैं, वो बार अच्छे से चल रहे थे, लेकिन वो आदमी जो है वो कांग्रेस का आदमी था, कई कम्युनिस्ट लोग, दूसरे पार्टी के लोग उसके विरोध करते थे, तो वो चाहते थे कि इसका जो धंधा है हम बंद करके रहेंगे। इनका धंधा हम बंद करके रहेंगे, तो उन्होंने क्या किया, ये जो बार में लोग जाते थे तो वो रास्ते में ये लोग खड़े हो जाते थे, वो रास्ते में खड़े होके कहते हैं साहब आप कहाँ जा रहे हो, तो वो लोग कहते कि हम ये बार में जा रहे हैं, तो बोले कि आप दूसरे कोई बार में जाइए, तो वो बोलते क्यों, तो वो बोलते थे कि आप क्यों जिद कर रहे हो कि यही बार में आप जाएंगे और शराब पिएंगे, तो वहां लकड़ी रखे हुए हैं, अगर कोई ज्यादा जिद करे तो उनके सिर फोड़ने के लिए वहां लकड़ी रखे हुए, तो वो लोग उसको देख लेते, फिर कहते हैं कि साहब कोई जरूरी नहीं है कि हम यही बार से पिए, वो तो हम यहां से आ गए थे, हम दूसरे बार में जा रहे हैं, तो दूसरे बार में जाके पी के अपने अपने घर चले जाते। अब ये बार में लोग आने ही बंद हो गया, क्योंकि जो भी आते हैं तो ये लोग पूछते कि आप जिद क्यों कर रहे हो कि यही बार से आप पिएंगे। ये आदमी ने क्या किया, ये आदमी हाईकोर्ट में जाके प्रोटेक्शन ऑर्डर लेके आया, प्रोटेक्शन ऑर्डर पीओ बोलते हैं, पुलिस भी तो ये गवर्नमेंट का ही है, पुलिस वहां आके खड़े रहते थे, ये सब देखते थे, कि तब भी ये दूसरे लोग आके कहते थे कि साहब ऐसे मत करो, दूसरे जगह जाओ। कहने का मतलब है फिर हाईकोर्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट के एसपी को बुला के उनके पुलिस को वहां भेजना पड़ा, ताकि उनका काम, उनका बार जो है चल सके। कहने का मतलब है ट्रेड या व्यापार या बिजनेस, उस पे रोक लगाने के लिए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, जरूर ये कर सकते हैं, जैसे आपके ट्रेड सीक्रेट है, जैसे आप गूगल कंपनी में हैं या विप्रो में हैं या ऐसे कोई कंपनी में हैं जो सॉफ्टवेयर डील करते हैं, कोई ट्रेड सीक्रेट्स है, आपसे जरूर साइन करवा सकते हैं कि ये ट्रेड सीक्रेट्स हम जो है डिस्क्लोज नहीं करें, ठीक है। तो ये चीजें अलाउड। मैरिज को भी रोकने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड। बाप ये लिख के नहीं जा सकता कि बेटे को कि मैं तुम्हारे प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें दे रहा हूँ लेकिन तुम शादी नहीं करोगे, अगर शादी करोगे तो ये प्रॉपर्टी जो है ये तो पता नहीं दूसरे बेटे के पास चले जाएगी।
यू कैन नॉट रिस्ट्रेन ए पर्सन फ्रॉम मैरिंग, है ना। आदमी को या औरत को शादी करने से आप रोक नहीं सकते, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं। अच्छा, अनसर्टन, अनिश्चित, जिसका कोई हम निश्चित नहीं है कि ये होंगे, उस पर भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे ये नबी से कहा कि आई विल गिव यू 100 किलो ऑफ ऑयल, ठीक है। अब ये अनसर्टन कॉन्ट्रैक्ट है, ये निश्चित नहीं है, क्योंकि कौन सा ऑयल, कोकोनट ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, या बहुत सारे ऑयल्स। तो कहने का मतलब इट शुड बी सर्टन, निश्चित होना चाहिए। जब आप कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करते हो वो निश्चित होना चाहिए। फिर हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैसे पूरा होते हैं, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, एक, जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाए, जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाए, दोनों पक्ष ने अपना टर्म्स और कंडीशंस जब फुलफिल करें तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, ठीक है। दूसरा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक पक्ष ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। अच्छा सुनिए, आप दो तरह से आप तोड़ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, ब्रीच कर सकते हैं। कैसे, जैसे समझ लो नवंबर 1 को आपको मुझे पेमेंट करना था, लेकिन आज ही मैंने आपको फोन करके कह दिया, तो आपने कहा कि नवंबर 1 को मैं वो पैसा नहीं दूंगा, तो ये क्या हो गया, पहले से ही आपने ब्रीच कर दिया। और दूसरा है कि नवंबर 1 को आपने फोन करके कहा, या जब मैंने आपको फोन किया तो आपने कहा कि ये पैसा मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा, तो पहले से भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है, जिसको एंटीसिपेटरी ब्रीच कहते हैं। और दूसरा एक्चुअल ब्रीच, जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना था उस दिन भी आप जो है मुकर जाते हैं, विड्रॉ करते हैं। फिर तीसरा है इम्पॉसिबिलिटी, असंभव, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना असंभव है। ऐसे एक एग्जाम्पल, इंडिया के एक व्यक्ति ने, इंडिया के एक सिटीजन और पाकिस्तान के एक सिटीजन ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, लेकिन बीच में युद्ध छिड़ गया। ईश्वर ऐसा होना नहीं थे, मैं तो एक केवल एक उदाहरण दे, बीच में अगर युद्ध छिड़ गया तो क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। फिर अगर समझ लो न्यू अग्रीमेंट, बहुत सारे तरीके हैं, हम डिटेल्स में नहीं जा रहे, बस जैसे समझ लो एक व्यक्ति ने पैसा ऑलरेडी दे दिया, उसे कार लेना था, पर वो आदमी इतना सक्षम नहीं था कि वो कार दे, तो वो कहते कि छोड़ो कार मत दो, तुम मुझे एक नया बाइक दे दो, तो दिस इज ए न्यू अग्रीमेंट, है ना। रिमिशन बोलते हैं, नोवेशन बोलते हैं, पर बेसिक चीज ये है कि कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा होते हैं, जब या तो दोनों पार्टी अपना शर्तें पूरा करते हैं, या जब कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी पार्टी मुखर जाते हैं तो भी कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, या तो और जब एक नया एग्रीमेंट पर। अब हम आते हैं एक बहुत, आज ये क्या है, नेटवर्क इश्यू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सब लोग मुझसे बात करना चाहते हैं। ये मेरा नंबर जो है कई लोगों के पास है, ओके। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी पासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब पासी कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं,
अर्थ अर्थ संविदा अच्छा, उसको हम कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम पहले हमने कहा, जैसे आपने बस में चढ़ा, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया, पर वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, वैसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। उसके तीन चार उदाहरण हैं, आप लिखिए। अब एक है देखिए, सबसे पहला है, अगर समझ लीजिए आपने किसी की मदद किया जो विधि के समक्ष अपने आप की मदद करने के लिए सक्षम नहीं था, विधि के सम्मुख विधि के सामने वो अपने आप के संरक्षण के लिए, जैसे समझ लीजिए एक माइनर बच्चा है, 18 साल से कम उम्र का एक बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने उनको डर दिया, आपने उनको एजुकेशन दिया, फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना पड़ा, क्या पाला तो आपने जो खर्च किया उस प्रॉपर्टी से आप वापस ले सकते हैं, आप समझे, इसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। अगर समझ लो कोई पागल व्यक्ति है, उसका भी आपने देखभाल किया, खाना दिया, आपने अपने घर पे उसे रहने दिया, अगर वो व्यक्ति के कुछ प्रॉपर्टी है उससे आपने जो खर्चा किया वो लेने के लिए आप अधिकार रखते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये माइनर के बीच में या ये अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के बीच में आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। दूसरा है पेमेंट by interested person, समझ लीजिए आपने अपना प्रॉपर्टी किसी को लीज पे दे रखे हैं, लीज, बच्चों लीज समझते हैं ना, लीज 10 साल के लिए किसी को लीज पे दे रखे, अब वो प्रॉपर्टी के रेवेन्यू के लिए नोटिस आया गवर्नमेंट से, आपने कहा कि मैं कोई रेवेन्यू वगैरह नहीं भरने वाला, पर जो लीज पे वहां रह रहे हैं, जो लीज पे उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, यस वेरी गुड, जो लीज पे वो उस रेवेन्यू को भर सकता है, क्यों नहीं, तो गवर्नमेंट उसे एविक्ट करेगा, गवर्नमेंट उसे हटने के लिए बोलेगा, वो जो पैसा वो व्यक्ति ने लीज पे रहने वाले व्यक्ति ने जो खर्च किया वो बाद में आपसे वो ले सकते हैं, हालांकि आपका और उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि मैं रेवेन्यू भरूंगा और बाद में मैं आपसे ले लूंगा, नहीं, आप समझे ना, तो ये क्या है, पेमेंट बाय रेवेन्यू, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। फिर है मिस्टेक, समझ लीजिए, ओके देखिए, आपका तनिष्क ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया वो ये था, मेरा प्रॉपर्टी मैंने आपको दिया है, आप लीज पर मेरा प्रॉपर्टी के पोसेशन में है, आप उसके स्वामी नहीं है, आप उस पे कब्जा कर रखे बैठे हैं, ठीक है, उस प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू का नोटिस आया, मैंने अगर नहीं भरा रेवेन्यू, आप उस रेवेन्यू को भर रहे हैं, लेकिन असली जिम्मेदार व्यक्ति मैं हूं, लेकिन अगर मैंने नहीं भरा आपने भरा, क्योंकि आपको नहीं, अगर मैंने वो रेवेन्यू नहीं भरा तो आपको वहां से हटा दिया जाएगा, तो आपने
अपने हित के लिए आपने वो रेवेन्यू पेमेंट किया, बाद में आप वो पैसा मुझसे वसूल कर सकते हैं। तो दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट, दो इट इज नॉट ए फुल कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि हमने कोई ऐसे पहले से वादा नहीं किया। समझ लीजिए एक आदमी का एक घर चित्तौड़ में है, वो यूएस चले गया। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो घर है, उसका टैक्स भरने का टाइम आया। वो साहब तो यूएस में है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है ना, वो टैक्स नहीं भर। आप क्या करेंगे? आप वो टैक्स भर के वह रहेंगे, बाद में आप वो टैक्स उनसे, वो जो पैसा आप उनसे वसूल कर सकते हैं। ओके, फिर है मिस, अभी क्लियर है तनिष्क? इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब समझ लीजिए, ए और बी ने, दो लोगों ने मिलके किसी से 5,000 रुपये उधार लिया। कहा था कि 2 महीने में हम पैसा वापस कर देंगे। बाद में क्या हुआ? ए ने भी 5,000 उसको दिया, बी ने भी 5,000 उससे वापस दिया। तो ये तो क्या हो गया? मिस्टेक हो गया। वो 5,000 वापस ये ले सकते हैं, ठीक है, बी जो है वापस उसे लेने का अधिकार रखते हैं। अगर नहीं दे तो निम्बाड़ा रोड में जो कोर्ट है, आप वहां जाके केस करके भी वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें मैंने, मुझे आपसे कहना था। हाँ, अब है रेमेडीज, उपचार। कल बच्चों मैंने आपको एक शब्द कहा था, ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिसका उपचार नहीं। विधि ने अगर आपको कोई अधिकार दिया, विधि आपका संरक्षण भी करता है, आप समझे। इसको बोलते हैं रेमेडीज। अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, आपके पास क्या उपचार है? सबसे पहला उपचार है कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन मतलब क्षतिपूर्ति, है ना, मुआवजा। कॉम्पेंसेशन आप मिल सकते हैं। समझ लीजिए ए ने बी से शादी के लिए वादा किया, फिर बाद में उसने सोचा कि यार नहीं, मैं थोड़े दिन और जो है LLB के बाद, LLM करने के बाद मैं शादी करूँ, क्योंकि जो है मैं मास्टर डिग्री। तो आपने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो कोर्ट जो है उनको एक कॉम्पनसेशन दे सकते हैं, क्योंकि उनको मेंटल सफरिंग और टॉर्चर हुआ है। अगर वो प्रूव करते हैं तो उन्हें कॉम्पनसेशन मिल सकते हैं, ठीक है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर तोड़ते हैं तो सामने वाले को कॉम्पनसेशन मिलता है। अगर आपने देखो, लिखित इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिखित होना जरूरी नहीं है, वर्बली भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। शादी करने का आपने वादा किया और आपने तोड़ दिया। ओके, नेक्स्ट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। प्रूफ तो क्या है अनस, व्हाट्सएप है या आपके कोई वॉइस रिकॉर्डिंग है या यस कॉल रिकॉर्डिंग है, पर व्हाट्सएप मैसेज ज्यादा स्ट्रांग होता है कॉल रिकॉर्डिंग के बजाय, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग को फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है, उसका रिपोर्ट आते आते जो है टाइम लगता है। लेकिन व्हाट्सएप में अगर है तो आप इसमें पढ़ो ही मत ना। ठीक है, ओके। दूसरा है बाद में इसका जवाब मैं बाद में देता हूँ, ठीक है। ये जो पहला है कॉम्पनसेशन, फिर है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस।
पहले कोर्ट केवल आपको कॉम्पनसेशन ही देते थे, कॉम्पनसेशन ही देते, लेकिन अभी एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट करके एक एक्ट बना, उसमें लिखा है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जिसने तोड़ा उसे वो कॉन्ट्रैक्ट कराया जा सकता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए कोर्ट उसे मजबूर कर सकता है। समझ लीजिए, एक बिल्डिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना, आपने कहा कि 6 महीने में बिल्डिंग कंप्लीट थी, ठीक है, 4 महीने में वो आदमी ने कहा कि नहीं हो सकता था, उसने काम मजदूर और सारे सामग्री सब लेके चले, 2 महीने बचे और आपके जो है आप एक नया कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वहां स्टार्ट करने वाले थे, तो आप क्या करोगे? कोर्ट उस बड़ा कॉन्ट्रैक्टर साहब को मजबूर कर सकते हैं कि 2 महीने में कंप्लीट करके दो, नहीं तो एक अमाउंट वो लिखेगा। वो तो कोर्ट और वो जज साहब के मूड के ऊपर है, तो थोड़ा ध्यान से रहना ये कोर्ट में। कोर्ट में आप क्या ड्रेस पहन के जाते हैं, आप कैसे खड़े रहते हैं, सब थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि कोर्ट ने अगर लिख दिया 20 लाख तो 20 लाख फिर आपको देना पड़ेगा, इसलिए हो गया। फिर एक चीज है, तो ये 2 चीज है, एक तो कॉम्पेंसेशन आपको दिलाया जा सकते हैं, दूसरा जो व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा उसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाया भी जा सकता है, ठीक है। फिर सेक्शन 73 और 74 अपने लिए इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 73 एंड 74 उसमें क्या बात कर रहे हैं, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट में ही दोनों पार्टी लिख देते हैं कि अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो कॉम्पनसेशन कितना मिलना चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉम्पनसेशन। एक शब्द है कॉम्पनसेशन, दूसरा शब्द है पेनाल्टी। पेनाल्टी क्या है, जब दो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये सोचकर कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं, वो लिख देते हैं क्या मान लीजिए 10 लाख का मामला है और उस 10 लाख का मामला के लिए आपने कह दिया कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया जाए तो 20 लाख आपको देना पड़ेगा, नहीं कॉम्पनसेशन अलग है, कॉम्पनसेशन मतलब रीजनेबल अमाउंट, पेनल्टी मतलब ओवर एंड अबाउ रीजनेबल अमाउंट, है ना। कॉम्पनसेशन का मतलब समझ लो ये फोन 20,000 का है तो 20,000, ठीक है, पर पेनल्टी ये है कि अगर आपने सही समय पर फोन नहीं देंगे आप मुझे 25,000 दोगे, जबकि 20,000 का ही है, ठीक है, तो वो क्या है ताकि कॉन्ट्रैक्ट टूटे नहीं तो पार्टी से इसे कभी कभी क्लॉज डाल देते। अब इंग्लैंड में विधि ऐसा है कि केवल कॉम्पनसेशन दिया जाता है, इंग्लैंड की विधि, लेकिन हमारे विधि ये कहते हैं कि पेनल्टी अगर लिखा है तो कोर्ट कॉम्पनसेशन भी दे सकते हैं या पेनल्टी भी दे सकते हैं, लेकिन पेनल्टी से ऊपर नहीं। इतना आपको समझ में आ गया? कॉम्पनसेशन दोनों में से एक है ना, कॉम्पनसेशन मतलब समझ लीजिए कोई चीज 20,000 का है तो 20,000 जब कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट डीड में लिखा हुआ है तो 20,000 देगा। अगर दोनों पक्ष चाहते कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट चल रही है ये टूटे नहीं तो उन्होंने लिख दिया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटे तो मुझे 25,000 देना चाहिए, तो 25,000 भी कोर्ट अवार्ड कर सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड का कोर्ट हो तो वो केवल कॉम्पनसेशन ही देंगे, इंडियन कोर्ट पेनाल्टी भी अवार्ड कर सकते हैं, ये कह रहा था, ठीक है। अब हम आते हैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, अभी तक जो चीजें मैंने आपको कहा इज इट क्लियर, ओके ओके हम आगे बढ़े। देखो जो आपके दूसरा पेपर है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, उसमें जो पार्टनरशिप एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, वो मैं टच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है,
लेकिन केवल उसके फाइव स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स मैं आज डील कर रहा हूँ, फाइव स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, मैं और शॉर्ट में समझाऊंगा। फर्स्ट है इंडेमनिटी, ये नाम आप लिखिए इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब है क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति का कॉम्पेंसेशन का मतलब नहीं है, ये अलग चीज है। परीक्षित, अगर सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप एक्ट हमें थोड़ा सा टच करना है, हम और कभी और किसी दिन हम करते हैं, ठीक है। इंडेमनिटी का मतलब है क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति का मतलब ए बी से कह रहे हैं कि अगर भविष्य में आपको कोई नुकसान हो किसी मामले के प्रति, उसका मैं क्षतिपूर्ति करूंगा, इंडेमनिफाई करूंगा, है ना। इंडेमनिटी बोलते हैं, इंडेमनिटी। जैसे ये जो है एक सिविल केस लड़ने के लिए डर रहे हैं, सिविल केस डरने के लिए कोई भी समझदार व्यक्ति डरेगा, लेकिन बी उसे कहते हैं देखिए आप ये केस फाइल कर दीजिए, 20,000 रुपीज का खर्चा मैं उठाऊंगा, नुकसान भी हो 20,000 रुपीज तक का नुकसान मैं उठाऊंगा, तो दैट इज इंडेमनिटी। कोई भविष्य में यू आर एक्चुअली कॉम्पेंसेटिंग समबडी फॉर ए फ्यूचर लॉस, कॉम्पेंसेशन के लिए दूसरा शब्द है इंडेमनिटी। ये क्या है? स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है गारंटी, गारंटी, गारंटी का मतलब देखिए ए बी से पैसा उधार लेते हैं, ठीक है, 50 लाख रुपीस उधार लेते हैं, और उस डीड में लिखते हैं कि अगर बी बी इस उधार को चुका नहीं पाए तो सी ये को ये पैसा चुकाएंगे। आप समझ रहे हैं, ए ने बी को 50 लाख रुपीस दिया तो वापस उधार नहीं ले रहे, वो है सी। सी ये कह रहे हैं कि अगर बी ये पैसा चुका नहीं पाया तो इसका जिम्मेदारी मेरा है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसमें तीन लोग हैं, कौन है तीन लोग? सबसे पहला है जो पैसा देता है, उसको बोलते हैं क्रेडिटर। जो पैसा ले रहा है वो है डेटर, और जो गारंटी दे रहा है उसका नाम है मॉर्गेज। बिल्कुल अलग चीज है ना मॉर्गेज। यस वेरी गुड। थ्री पार्टीज, देयर आर थ्री पार्टीज, क्रेडिटर, श्योरिटी, डेटर। जो पैसा दे रहा है उसको हम कहते हैं क्रेडिटर, जो पैसा ले रहा है उसको हम कहते हैं डेटर, जो गारंटी ले रहा है उसको कहते हैं श्योरिटी। बैंक लोन में करते हैं गारंटी, पर अगर किसी वजह से आप बच सकते हैं तो बचना, है ना। कई लोग कहेंगे कि साहब आप मेरे लिए गारंटी बनो बैंक में, कोई वजह मिले तो आप वहां से बचना, क्योंकि मेरे मेरा अनुभव नहीं, संस्कार तो यही बोलेगा कि मेरा अनुभव है, लेकिन मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन कई लोगों का अनुभव है, इससे मैं कह रहा हूँ कि गारंटी मत बनना। अच्छा, इसमें दूसरी बात, ये जो समझ लीजिए ए का उधार सी ने चुका दिया,
ठीक है। अब ये जो है ये पैसा बी से ले सकते हैं, ठीक है। दिस इज दी, इसमें तीन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्रेडिटर और डेटर का कॉन्ट्रैक्ट, और क्रेडिटर और श्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट, और श्योरिटी और डेटर का कॉन्ट्रैक्ट, तो तीन कॉन्ट्रैक्ट इसमें है, ठीक है। ओके, तीसरा है बेलमेंट। बच्चों ये डिफरेंस आपको समझ में आया, क्षतिपूर्ति क्या है और गारंटी क्या है, इंडेमनिटी और गारंटी, है ना, ठीक है। इंडेमनिटी मतलब आप कोई भविष्य में कोई नुकसान होने वाला है उसके खिलाफ आप वो व्यक्ति को गारंटी दे रहे हैं, ठीक है, कि मैं वो नुकसान को उठाऊंगा, ठीक है। दूसरा है गारंटी, गारंटी मतलब डेटर अगर नहीं भर पाए तो श्योरिटी या गारंटी देने वाला भरेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बेलमेंट। बेलमेंट को हिंदी में कहते हैं उपनिदान, है ना, उपनिदान। देखो अगर उपनिदान शब्द आपको वहां याद नहीं आया, आप बेलमेंट लिख देना, किसी का हिम्मत नहीं है कि आपको फेल करें, है ना, आप बेलमेंट लिखना, ठीक है। तो बेलमेंट जो है, बेलमेंट क्या होता है, एक प्रॉपर्टी को आप किसी निश्चित कार्य के लिए किसी के पास देते हैं, उसको बोलते हैं बेलमेंट। जैसे समझ लीजिए मेरा वॉच अभी ठीक ठाक है, लेकिन अगर आपका वॉच में टाइम सही नहीं चल रहा है तो आप क्या करेंगे, वो वॉच को आप वो वॉच को रिपेयर के लिए देंगे, तो उसको बोलते हैं बेलमेंट। वॉच का स्वामी मैं हूं, थोड़े समय के लिए वॉच किसके पास है, वॉच रिपेयर करने वाले आदमी के पास, जब वॉच रिपेयर हो जाए वापस मुझे दे सकते हैं, ठीक है, वो उसे नहीं रख सकते हैं, उसको बोलते हैं बेलमेंट। बेलमेंट जो ये मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे वॉच हो गया, मोबाइल हो गया, पेन हो गया, या क्लॉक हो गया, जो भी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेलमेंट। जब कुछ समय के लिए आप अपने चल संपत्ति को कोई विशेष कार्य के लिए किसी के पास छोड़ते हैं, दैट इज बेलमेंट। वो जब कार्य पूरा हो जाए तो वो रिटर्न करना उनका जिम्मेदारी है, ठीक है। ये वॉच और वॉच का रिपेयर वाला आप एग्जांपल याद रखें। नंबर फोर है प्लेज। प्लेज का मतलब क्या होता है, आई एम सॉरी जस्ट फोर, प्लेज जब पैसा उधार लेने के लिए आप कोई चल संपत्ति किसी के पास रखते हैं उसको बोलते हैं प्लेज। उधार लेने के लिए जब कोई चल संपत्ति आप किसी के पास रखते हैं उसको बोलते हैं प्लेज, गिरवी, वेरी गुड। मोर्गेज बिल्कुल अलग चीज है बच्चों, मोर्गेज अपना यहां टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं एक मिनट में समझा रहा हूं। मोर्गेज का मतलब जब कोई अचल संपत्ति आप रख के पैसा उधार लेते हैं उसको बोलते हैं मोर्गेज। लैंड का, लैंड जरूरी नहीं है आपका कागज भी चल जाएगा, बैंक वाले को आपका लैंड से मतलब नहीं है, है ना, गुड। आपका टाइटल डीड से भी आपको लोन दे देंगे, ठीक है। तो मोर्गेज में तो आपको अचल संपत्ति के बदले में आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन प्लेज में क्या होते हैं, चल संपत्ति के बदले में आप जब पैसा लेते, ठीक है। गोल्ड जैसे बच्चे ने लिखा है, या कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। लास्ट है, यस, लास्ट है एजेंसी।
एजेंसी में क्या होते हैं, एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार एजेंट को देते हैं, जो बड़ा आदमी होता है, जो मेन आदमी होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, और जिनको वो ये अधिकार देता है उसको बोलते हैं एजेंट, है ना। यस यस, वेरी गुड, प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब एजेंट के साथ जो भी डील करेगा वो विधि ये मानता है कि वो प्रिंसिपल के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, है ना। प्रिंसिपल ये नहीं कह सकते कि साहब ऐसा है, इनको एजेंट मैंने बनाया, लेकिन ये जो है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया इसको मैं नहीं मानता, है ना। प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल के जगह जब एजेंट काम करेंगे तो माना यह जाएगा कि प्रिंसिपल ने ही कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, ये पांच तरीके के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। एक इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति, दूसरा बेलमेंट, सॉरी गारंटी, गारंटी, तीसरा बेलमेंट, नंबर फोर प्लेज, प्लेज गिरवी रखना, नंबर फाइव एजेंसी, ठीक है। ये कुछ बातें मुझे आपसे कहना था। कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। हाँ, ये थोड़ा देखो, इसके फाइन डिटेल्स आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं तो जस्ट आपको जो देखो, एजेंट अलग है और सर्वेंट अलग है। सर्वेंट को आपको इंस्ट्रक्शंस देते रहना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन एजेंट को आपने पूरा पावर दे रखा है, ठीक है। अब एजेंसी भी तीन चार प्रकार के हैं, लेकिन मेन जो चीज है दो तीन तरीके से एजेंसी बनते हैं, वो आप अक्षय का जो क्वेश्चन है उसका मैं जवाब दे रहा हूं। एक तो ट्रांसफर ऑफ पावर है ना, आप एजेंट को ट्रांसफर करते हैं सारा पावर। नंबर टू, कभी कभी इमरजेंसी में एजेंट अपने डिस्क्रिशन से भी करते हैं, ठीक है, तो उसको भी एजेंसी माना जाएगा, वो एजेंट माना जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा है बाय लॉ, जैसे एक पार्टनर के जगह दूसरे पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया तो उसमें भी एजेंसी है, एजेंसी। फिर जो आप पूछ रहे हो, सैलरी का सिस्टम नहीं है, एजेंसी में कंसिडरेशन है ही नहीं, देयर इज नो कंसिडरेशन इन एजेंसी, नो, क्योंकि वो प्रिंसिपल जैसा ही है एजेंट, है ना। प्रिंसिपल का काम एजेंट कर रहा है, इतनी बात, लेकिन सर्वेंट इज डिपेंडेंट ऑन सैलरी, सर्वेंट तो पगार उठाता है, ठीक। ओके बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ा बहुत समझ में आया। ओके देखिए, थैंक यू। मैं ये कह रहा था, आपके मैरिजेस भी आपके मैरिजेस भी वैसे कॉन्ट्रैक्ट है। हिंदू मुस्लिम मैरिज तो कॉन्ट्रैक्ट है ही, है ना। मुस्लिम मैरिज तो कॉन्ट्रैक्ट के करीब करीब सारे एसेंशियल्स पूरा करते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज भी जो जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्रेट बोलते हैं, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट का कुछ एसेंशियल्स है, जैसे फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट, साल इतना होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, और अगर ये ग्राउंड्स होंगे तो डाइवर्स हो सकते हैं, तो ये चीज़, ठीक है। पर ये दुख की बात है कि ज़्यादा बच्चे जुड़ नहीं रहे हैं, 180 करीब बच्चे हैं, क्लास ले रहे हैं,
तो भी कई बच्चे नहीं आ रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स 40 to 50 आए हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स 180 स्टूडेंट्स हैं। देखिए फिल्म जो होते हैं ना, फिल्म 3 घंटे के होते हैं, लेकिन फिल्म बनाने के लिए 3 घंटा काफ़ी नहीं। अंबेडकर साहब पे एक फिल्म बना था पूरा 10 साल में। तो वैसे हम अगर 1 घंटे का क्लास है या 1.5 घंटे का क्लास है, लेकिन टीचर जो है बहुत प्रिपेयर करके आते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं जब नहीं आते तो अच्छा नहीं लगता। यस यस, और कोई सब्जेक्ट अगर हमें डील करना है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो इज देयर एनी अदर सब्जेक्ट्स, डू यू नीड हेल्प? लीगल लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज जो है ना, उसमें मैं कितना आपको हेल्प कर पाऊंगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन जरूर अपने क्लास लेंगे। ठीक है ठीक है, अपन प्लान करते हैं। हाँ PAL, अच्छा बच्चों PAL का क्लास लग सकते हैं, PAL है ना, कल करें PAL पे। लीगल हिस्ट्री पे थोड़ा और सोचना पड़ेगा मुझे। कल हम PAL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका पे कल करते हैं, ठीक है, 10 बजे अपन मिलते हैं। गॉड ब्लेस, बाय।